हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और गाइस, आज मैं एक बहुत स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ। मैं दुबई के एकेडमिक सिटी में आया हूँ और यहाँ पर मैं एक स्टूडेंट से मिलने वाला हूँ और जिन्होंने अभी रिसेंटली अपनी स्टडी कंप्लीट की है। तो इस वीडियो में आपको दुबई की स्टूडेंट लाइफ, दुबई की यूनिवर्सिटीज़ के बारे में और स्टडी के साथ साथ जॉब के बारे में क्या क्या ऑप्शन है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। सो गाइस, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट मोर अपडेट्स अबाउट अवर वीडियोस। हेलो गाइस, माय नेम इज़ अक्षय कपूर एंड मैं सोनीपत हरियाणा से हूँ, इंडिया से। ओके अक्षय, आप देखने वालों को बताओ कि आप दुबई कब आए थे। सर, मैं दुबई आया था सितंबर 2019 में, क्योंकि मेरा बैच सितंबर बैच था। सो अक्षय, अब आप देखने वालों को बताओ कि आपने वीज़ा वगैरह प्रोसेसिंग और वीज़ा वगैरह अरेंज कैसे किया था। मैंने एक्चुअली काफ़ी ऑप्शंस एक्सप्लोर किए थे, कंसल्टेंसी से बात की थी, तो फाइनली एक मुझे कंसल्टेंसी मिली न्यू दिल्ली में, तो वहाँ पर मैंने अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर किए, तो फाइनली उन्होंने मुझे दुबई के बारे में बताया और यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बताया, तो मुझे अच्छा लगा कि एक साल का प्रोग्राम है। ओके अक्षय, आप देखने वालों को बताओ कि जैसे आप यहाँ पर किस प्रोग्राम में स्टडी कर रहे हैं और दुबई में स्टूडेंट्स के लिए, जैसे इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं, मैनेजमेंट स्टूडेंट हैं, उनके लिए क्या क्या यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ हैं और क्या क्या ऑप्शंस हैं स्टडी के। मैंने अभी जस्ट अपना सप्लाई चेन मैनेजमेंट में डिप्लोमा कम्प्लीट किया है, पीजी डिप्लोमा, और यहाँ पर ऑप्शंस सारे हैं। बैचलर्स में है इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट, बीबीए और बीकॉम, सब बैचलर्स आप कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, बट ज़्यादातर यहाँ स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं मास्टर्स के लिए आना, क्योंकि फिर उसके बाद जॉब का एक्सप्लोर करना ईजी है और एक्सपीरियंस यहाँ आप स्टडी के साथ भी ले सकते हैं, स्टडी साथ करते हुए आपको वर्क भी कर सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ के ऑप्शंस हैं, लाइक यहाँ पर इंडियन यूनिवर्सिटीज़ बहुत हैं, बिट्स पिलानी है, मणिपाल है, एमिटी है, और यहाँ पर बैचलर्स में आप इंजीनियरिंग में कोई भी आप ग्रेड ले सकते हैं, सिविल हो गया, मैकेनिकल हो गया, और बाकी मैनेजमेंट प्रोग्राम्स भी हैं, कोई भी मैनेजमेंट से रिगार्डिंग आपको कोर्स करना है या फिर मास्टर्स भी है मैनेजमेंट में अवेलेबल। कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटीज़ हैं? लाइक यहाँ पे ग्रेजुएशन के लिए आप वही 12th पास जो है क्राइटेरिया है, नॉन मेडिकल जैसे करके जी, तो इंजीनियरिंग कोर्सेज के लिए जी, अगर आप नॉन मेड से हैं तो आप इंजीनियरिंग में ले सकते हैं, वो 4 years का कोर्स रहता है, और उसके बाद अगर जैसे 12th अगर आप नॉन मेड से नहीं है तो अगर आपको कॉमर्स है या कुछ है तो आप बीबीए बीकॉम वो सब में एनरोल कर सकते हैं। कोर्सेज इंडिया वाले पूरे कोर्सेज अवेलेबल जी जी सेम है, तो और उसके बाद अगर आपको 1 year का चाहिए तो 1 year प्रोग्राम आफ्टर बैचलर, तो उसमें आप पीजी डिप्लोमा कर सकते हैं, उसमें 1 year में आपका पीजी डिप्लोमा लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट रहेगा, जो मैंने किया है यहाँ पे। ओके, और मेरा अभी इसी जून में कंप्लीट हुआ है, और उसके अलावा अगर आप मास्टर्स करना चाहते हैं तो वो 2 years प्रोग्राम रहेगा। MBA में आप HR, सेल्स एंड मार्केटिंग और वो सब जो सेम आप MBA एंड फिनांस जो जी इंडिया में ऑप्शन अवेलेबल है सब यहाँ पर भी अवेलेबल, वो सब यहाँ अवेलेबल रहेंगे। तो यहाँ पर काफ़ी बेनिफिट ये भी है यहाँ पर कि यहाँ पर आपको मैट या कैट का ऐसा कुछ एलिजिबिलिटी है वो आपको क्लियर नहीं करना होता, तो आपको डायरेक्ट एनरोल भी हो जाता है, जो कि इंडिया में रहता है कि आप मैट या कैट आपका वो परसेंटेज देखा जाता है, उस हिसाब से आपको यूनिवर्सिटीज़ जो है फिल्टर कराई जाती है, तो यहाँ पर इतना कोई प्रॉब्लम नहीं, एडमिशन के लिए इतनी प्रॉब्लम नहीं है। और अक्षय, आप देखने वालों को एक मेन बात बताओ कि जैसे इंडिया से यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन तो आपको अगर जैसे ग्रेजुएशन के बाद आप मास्टर्स के लिए आ रहे हैं तो आपको एक तो चाहिए होगा बैचलर्स की मार्कशीट, और आपका जो वीज़ा है वो कंसल्टेंसी वाले सब वो आपका जो प्रोसीजर है वो प्रोसीड कर देंगे, और डॉक्यूमेंट्स ऐसा कोई मेन नहीं चाहिए, मेन वही आपका जो मार्कशीट्स हो गए प्रीवियस सारे 10th 12th और ग्रेजुएशन, कोई NOCs वगैरह, अटेस्टेशन वगैरह डिग्रीज की, वो सब कंसल्टेंसी वाले भी कर देते हैं, चाहिए वो भी। हाँ, मतलब आपकी डिग्री मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से अटेस्टेशन, HRD से अटेस्टेशन चाहिए? नहीं नहीं नहीं, HRD नहीं है वो, तो जो आप नॉर्मली अटेस्ट होकर मिलती है ऑलरेडी हमें कॉलेज से, तो वही इनफ है जी, वही जाती है, क्योंकि जॉब के लिए यहाँ पर HRD और MBA की अटेस्टेशन चाहिए। यहाँ पर आने के बाद है, अगर आप जैसे स्टडी कंप्लीट करने के बाद आप जॉब के लिए जा रहे हैं तो अटेस्टेशन मांगते हैं। ओके, कॉलेज में एडमिशन के लिए नहीं चाहिए? नहीं, उसके लिए नहीं चाहिए, वो जब आपको जॉब यहाँ पर करनी है, परमानेंट जॉब आपको मिलती है तो उससे पहले वो अटेस्ट होती हैं, आप जहाँ पे इंडियन एम्बेसी में आपको कंसल्टेंसीज हैं यहाँ पे वो करवा के देती है, इंडियन एम्बेसी आपको टेस्ट करवा के देती है। ओके अक्षय, अब थोड़ा आप यहाँ पर हमारे को जो फीस स्ट्रक्चर है एडमिशन के लिए, जैसे कुछ एक कोर्सेज का आप बता सकते हैं कि क्या क्या फीस स्ट्रक्चर है? जी, आफ्टर बैचलर जो है, जैसे मेरा कोर्स था उसमें 32,000 दिरहम का ओनली डिग्री था, तो फॉर 1 year कोर्स 32,000 दिरहम ओनली स्टडी,
ओनली स्टडीज। और अगर आपका जैसे 2 ईयर्स MBA है तो 64,000, 2 साल का है तो 64,000 हो जाता है। सो अक्षय, आपने अभी ये मास्टर प्रोग्राम की फीस वगैरह बताई, थोड़ा बैचलर प्रोग्राम की क्या फीस स्ट्रक्चर है थोड़ा आइडिया बताओ, और फीस से अलग यहाँ पर हॉस्टल की जो खर्चे हैं क्या फीस है वो थोड़ा बताओ। बैचलर में जैसे मेरा फ्रेंड एक BBA कर रहा था यहाँ से, तो उसका 6.5 to 7 lakh इंडियन करेंसी में को बताओ कि यहाँ पर कॉलेज की टाइमिंग, कोर्स की टाइमिंग वगैरह कैसी है? कोर्स आपको 3 टाइप्स की यहाँ पे टाइमिंग्स अवेलेबल होती हैं, जैसे कि एक तो नॉर्मल जो इंडिया में है 9 to 5 या 9 to 4, और यहाँ पे दूसरा वीकेंड बैच भी अवेलेबल है। वीकेंड बैच में जो है सिर्फ वीकेंड में आपकी क्लासेस होंगी। हाँ, वो उन लोगों के लिए जैसे कोई जॉब कर रहा है यहाँ परमानेंट जॉब में, 5 डेज जो है आपका वर्किंग, आप जॉब कर सकते हो और वीकेंड में आपकी क्लासेस हो जाएंगी। और उसके अलावा एक इवनिंग बैच है, वो 7 PM to 10 PM इवनिंग का क्लास होता है, बाकी आप दिन में फ्री होते हो तो वो आप यूटिलाइज कर सकते हैं जॉब्स के करने के। तो ओके गाइज, अभी अक्षय ने बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी आप लोगों को दी है, और आप वीडियो को पूरा देखना क्योंकि आगे वीडियो में मैं अक्षय से और भी जानकारी लेने वाला हूँ। इसमें मैं उससे पूछने वाला हूँ कि स्टडी के साथ साथ जॉब के क्या ऑप्शन है, और मेनली मैं उससे ये बात करने वाला हूँ कि स्टडी करने के बाद जॉब के लिए क्या टिप्स हैं, जॉब लेने के लिए यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो ओके अक्षय, अभी आप स्टडी के साथ साथ जॉब्स के ऑप्शन बताने से पहले देखने वालों को ये बताओ कि आपका टोटल कितना खर्चा हुआ अभी तक, जैसे कि एजेंट की फ़ीस है, वीज़ा है, आपकी कॉलेज की फ़ीस है और हॉस्टल के चार्जेस मिला के आपकी ग्रेजुएशन, सॉरी आपकी मास्टर्स पूरा होने के लिए कितना खर्चा हुआ? सर, मैंने जो है दिल्ली से एक कंसल्टेंसी से अप्लाई किया था यहाँ यूनिवर्सिटी के लिए, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है सर, वहाँ कंसल्टेंसी वाले कुछ चार्ज नहीं करते। अच्छा, उन कंसल्टेंसी का यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप रहता है? हाँ सर, टाई अप रहता है, और वो स्टूडेंट से कुछ चार्ज नहीं करते, वो उनका अपना यूनिवर्सिटी से ही कुछ जो भी है अरेंजमेंट होता है। और उसके बाद जो था सर यहाँ फीस मेरा विद कोर्स इंक्लूडिंग हॉस्टल मेरा 64,000 दिरहम रहा, जो कि इंडियन करेंसी में 13 लाख के आसपास हो जाता है। और अगर सिर्फ कोर्स का देखें एक साल का, तो 32,000 दिरहम आता है। तो मेरा विद हॉस्टल था, विद एकोमोडेशन था, तो 64,000 पर ईयर मुझे इसका खर्चा होगा। और थोड़ा अक्षय, थोड़ा बताओ कि हॉस्टल की लाइफ कैसी है, मतलब जैसे इंडियन हॉस्टल की तरह है, जैसे चार लड़के एक हॉस्टल में रहते हैं? नहीं सर, यहाँ हॉस्टल लाइफ बहुत सॉर्टेड है, बहुत अच्छी है, और हर ऑप्शन अवेलेबल है। 1 रूम एकोमोडेशन है, 2 रूम है और 3 रूम है। तो 1 रूम थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाता है, मेरा दो स्टूडेंट एक रूम में रहते हैं। जी जी जी, तो मेरा जो है 32,000 पर ईयर का इसका पड़ा, जिसमें इंक्लूडिंग फूड था और सब कुछ था। इंक्लूडिंग फूड, ओके। तो खाना वगैरह कैसा मिलता है मैस में सब? जी अच्छा था, वेज नॉन वेज सब तरह का, आपकी चॉइस के हिसाब से। तो वो कोई दिक्कत नहीं आती। अभी जो मैं आपको बताता हूँ कि जॉब्स के, स्टडी के साथ जॉब्स के क्या क्या ऑप्शन रहते हैं, तो सर अभी स्टडी के साथ जैसे आप इवनिंग बैच में हैं अगर स्टूडेंट, तो उसके लिए काफ़ी अच्छा रहता है कि डे टाइम में आप जो है जॉब फुल टाइम जॉब कर सकते हैं। फुल टाइम भी है और पार्ट टाइम भी, दोनों अवेलेबल होती हैं। सो इट डिपेंड्स कि आप कौन सा चूज करते हो, और जो आपकी यूनिवर्सिटी का जो करियर डिपार्टमेंट होता है वो भी आपको काफ़ी हेल्प करता है जॉब फाइंड करने में। और तो स्टूडेंट अपने आप भी सर्च कर सकते हैं, खुद भी सर्च कर सकते हैं, बट अगर खुद आपको जॉब मिलती है तो फिर आपको ऑफर लेटर जब उनको मिलता है तो आपको यूनिवर्सिटी के करियर डिपार्टमेंट में उनको दिखाना होता है। तो किस तरह की पार्ट टाइम जॉब मिलती है, कैसी जॉब रहती है? सर जैसे रिटेल में मिल जाती है, और कंपनीज है जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर में मिल जाती हैं, तो जॉब्स की ऑप्शन रहती है। तो जैसे कनाडा वगैरह में पेट्रोल स्टेशन में और डिपार्टमेंट स्टोर में ऐसे जाके जॉब कर सकते हैं, ऐसे यहाँ पर भी कर नहीं, सकते हैं? नहीं नहीं सर, यहाँ पेट्रोल पंप या फिर इधर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ स्पेसिफिक जॉब रहती हैं, जैसे रिटेल स्टोर में हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर हो गया, और जो भी मीन्स मेन जॉब होती हैं मॉल में हो गई, तो जैसे लैंडमार्क का रिटेल स्टोर हो गया, कुछ भी हो गया, वहाँ पर आप एक्सप्लोर कर सकते हो। और BPO में भी ऑप्शंस रहती हैं, तो वो ज़्यादातर स्टूडेंट्स ही प्रेफर करते हैं, तो उसमें सही। और अक्षय, थोड़ा आप ये बताओ कि जैसे एवरेज कितनी अर्निंग कर लेते हैं पार्ट टाइम जॉब में स्टूडेंट्स? सर पार्ट टाइम में अप्रॉक्स 1800 to 2500 तक हो जाता है पर मंथ। फुल टाइम नहीं, पार्ट टाइम
और सर फुल टाइम में सर डिपेंड करता है कि कंपनी कैसी है, तो 2500 टू 3500 इन बिटवीन हो जाता है। सोक्षी, अब आप देखने वालों को बताओ कि जैसे आपकी स्टडी कंप्लीट हो गई है, तो स्टडी कंप्लीट करने के बाद आपको जॉब्स के यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन मिले हैं, या आपने जॉब के लिए कैसे कैसे आपने जॉब सर्च की है, कोई जॉब सर्च टिप्स है तो आप शेयर कर सकते हैं? सर जॉब सर्च करने के लिए तो हर जगह ऑनलाइन जो पोर्टल्स होते हैं जॉब वेबसाइट के, वहाँ पे हमने जो है वैकेंसी अप्लाई की है। और इसके अलावा करियर डिपार्टमेंट जो होता है हर यूनिवर्सिटी में होता है, जैसे कैंपस सिलेक्शन वगैरह भी कुछ होता है यहाँ पर? जी सर होता है, बट इस साल नहीं हो पाया ड्यू टू COVID-19, बट वैसे हर ईयर मोस्टली होता है जॉब्स के लिए। और करियर डिपार्टमेंट जो है वो अलग से हेल्प करता है, जो भी इंटरव्यूज उनको पता लगते हैं तो वो स्टूडेंट को भेजते हैं इंटरव्यू के लिए। सो ऑप्शंस काफ़ी सारी रहती हैं और खुद भी आप अप्लाई कर सकते हैं, खुद भी आप सर्च कर सकते हैं। सो ओके अक्षय, आपकी अभी स्टडी कंप्लीट होने के बाद आपने यहाँ पर जॉब सर्च कर रही हैं 3-4 महीने से, तो आपको अभी क्या क्या यहाँ पर जॉब ऑफर मिले हैं, क्या क्या ऑप्शंस मिले हैं जॉब्स के लिए? सर वाइल स्टडिंग जो मेरा रिटेल स्टोर में जॉब था वो तो हो गया था, मार्च में एंड हो गया था इंटर्नशिप, और उसके बाद मैंने जो एक्सप्लोर किए ऑप्शंस और मेरे करियर डिपार्टमेंट ने भी मुझे कुछ बताया, तो उसमें एक मुझे ई कॉमर्स का मिला था ऑप्शन, तो वहाँ पे मैंने ट्राई किया था। और दूसरा जो है एक मेरे जो BPO में भी ऑफर मिला था तो वो भी था, बट अभी मैं और अच्छे ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहा हूँ क्योंकि अभी थोड़ा COVID-19 की वजह से मार्केट डाउन है जैसे, तो और अच्छे ऑप्शंस मिल सकते हैं तो अभी मैं उन्हीं में फोकस कर रहा हूँ। अभी आपने कोई जॉब फाइनल नहीं किया है? नहीं सर, अभी मैं और ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहा हूँ क्योंकि अच्छे और मिल सकते हैं सर। तो आपका वीज़ा तो शायद स्टूडेंट वीज़ा होगा? स्टूडेंट वीज़ा है, अभी तो टाइम है, तो 3-4 मंथ्स है मेरे पास और भी एक्सप्लोर करने को, तो उसी टाइम को यूटिलाइज कर रहा हूँ और अच्छे ऑप्शंस ढूंढ रहा हूँ, तो अभी है टाइम सर। तो जैसे अभी आपको किस रेंज में सैलरी ऑफर हो रही है जैसे आपकी स्टडी के बेस पे अभी? जी नॉर्मली इन बिटवीन 2500 टू 3500 होती है सर जो मैंने स्टडीज कंप्लीट की है, बट अभी जैसा COVID-19 की वजह से डाउन है तो 2000 भी मुश्किल 20% तक कम है सर, काफ़ी भी दिक्कत आ रही है। तो क्या अक्षय, वीडियो के लास्ट में आप देखने वालों को क्या एडवाइस देना चाहते हैं? सर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है जो कि नया नया स्टूडेंट्स अप्लाई करने का सोचते हैं बाहर कंट्रीज़ में, तो उसमें क्या होता है कि कंसल्टेंट के थ्रू आते हैं वो, तो कंसल्टेंट कभी भी कुछ भी चार्ज नहीं करते स्टूडेंट से, तो बहुत से कंसल्टेंट्स ऐसे मिल जाते हैं जो कि उनसे स्टूडेंट से फीस चार्ज करते हैं, तो सर मेरी यही एडवाइस है ऐसे स्टूडेंट्स कभी भी इन कंसल्टेंट्स के कॉन्टैक्ट में ना आए, ये हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है स्टूडेंट्स के लिए, जो भी इनका टाई अप है वो रहता है इनका यूनिवर्सिटीज से जो भी कंसल्टेंसीज होती हैं, तो कभी भी कोई अगर उसके चार्ज कर रहा है तो कंसल्टेंट सही नहीं, जेन्युइन नहीं है, तो मतलब आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी कांटेक्ट कर सकते हैं? जी आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएं, डायरेक्ट भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और रेप्यूटेटेड कंसल्टेंसीज भी हैं इंडिया में, तो आप उनको भी कांटेक्ट कर सकते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट स्टूडेंट्स की हेल्प करती हैं, गाइड करती हैं और एडमिशन प्रोसेस में हेल्प करती हैं। तो आप जैसे कौन सी कंसल्टेंसी के थ्रू आए थे दिल्ली से? सर मैं चोपड़ा से आया था, न्यू दिल्ली चोपड़ा कंसल्टेंसी। जी तो उन्होंने मेरे को सारा गाइड किया था और इट वॉज रियली नाइस एक्सपीरियंस विद देम। ओके गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो कोई भाई लोग दुबई आके स्टडी करना चाहते हैं उनको स्टडी के बारे में पता लगे और कैसे कैसे प्रोसीजर है, क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और अगर किसी स्टूडेंट को, किसी भाई को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर दुबई लाइफ एंड जॉब्स वीडियो। Kicking it, kissed by the sun. Could be soaked to the skin in the moss soon. I know she got the good vibes when seasons change.